उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, आएगी अथवा नहीं आएगी, और आपके यूपी टेट और सुपर टेट का एग्जाम कब होगा। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग लाखों स्टूडेंट परेशान हैं, और आप लोगों के व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उस पर इतने सारे मैसेज आ गए हैं कि वीडियो बनाने के लिए हम मजबूर हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। देखिए भैया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 3-4 सालों से आपको एक झुंझुना दिया गया है बजाने के लिए, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसकी जो चर्चाएं थी वो 2018-2017 से ही हो रहा था, लेकिन 2020 में हमारा कोरोना आ गया, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिसके कारण इस जो डिपार्टमेंट है इसकी चर्चा आगे नहीं हो पाई। लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ था उसको जीतने के बाद भाजपा सरकार के द्वारा कहा गया कि हम कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज जो है उसके एक चयन के लिए एक ही शिक्षा चयन आयोग का गठन करेंगे, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 15 तक जितनी भी भर्तियां होती हैं, डिग्री कॉलेज तक जितनी भी भर्तियां होती हैं, उसको एक ही डिपार्टमेंट से हम करेंगे और उसका नाम रखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसकी कहानी हम पिछले 2-2.5 सालों से हम और आप लोग लगातार सुनते आ रहे हैं और सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। अब ये जो है अपने आखिरी चरण में है, इनके जो 12 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है, इसका चुनाव लगभग हो चुका है, इसके जो आदेश जारी करना बाकी है सरकार के द्वारा, यानी कि इस जो आयोग है इसका गठन हो जाएगा, और गठन होने के बाद फिर कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक भर्तियां आने की उम्मीद है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, यह सारी चीजें तो हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार सुनते ही आ रहे हैं। जनवरी के महीने में हमने स्पष्ट रूप से वीडियो बनाया था और बताया था कि आपका जो यूपी टेट है और सुपर टेट है यह लोकसभा चुनाव के पहले कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे थे जो आपको यूपी टेट की भर्ती दे रहे थे, सुपर टेट की भर्ती दे रहे थे। उनका कहना है कि इस आयोग का गठन हो जाएगा जनवरी फरवरी के महीने तक, और आपको फरवरी के महीने में अथवा जनवरी के महीने में आपको एक बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। हमने उस समय भी बताया था कि ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भैया कोई काम बहुत ही स्लो गति से होता है, यानी कि कछुए की चाल से यहाँ पर काम होता है। ये जो आयोग है जिसको आप बार बार देख रहे हैं, इसकी जो गति है, जो काम करने की स्पीड है, वो कछुए से भी धीमी है। कछुआ भी इनकी स्पीड को देखकर शर्मा जाए कि ये इतनी धीमी स्पीड से काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से ये अध्यक्ष और सदस्य के चयन जो होता है, चयन प्रक्रिया होती है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट की भर्ती इतनी जल्दी हो जाएगी। तो उस समय भी हमने बताया था कि भैया लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो मार्च के महीने में लगेगी, और उससे पहले कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये आयोग इतना स्लो है कि आप इससे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक फॉर्म भरा गया था जुलाई 2022 के महीने में, टीजीटी का और पीजीटी का फॉर्म भरा गया था, जिसमें 4,163 पद थे, और इसके लिए लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इसका पेपर अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो माध्यमिक बोर्ड था उसको भंग कर दिया गया है, और अब यह भर्ती इसी आयोग से कराने की योजना है। तो 2022 का, जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में फॉर्म भरा गया था, उसका पेपर अभी भी नहीं हुआ है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे पेंडिंग काम इस आयोग के पास पड़े हुए हैं कि अगर इस आयोग का गठन हो जाएगा तो सबसे पहले ये जो पुराने काम हैं, ये जो पुराने पाप हैं, जिसको हम लोग पाप ही कहेंगे, क्योंकि 1.5-2 साल से आप कोई भर्ती करा नहीं पा रहे हैं, तो उसको काम नहीं, उसको पाप ही कहना पड़ेगा। तो इन पुराने पाप को धोना इनका पहला काम रहेगा। इसके अलावा डिग्री कॉलेज की भी भर्तियां हैं जो फंसी हुई हैं इसी आयोग के गठन के कारण, वह लटकी हुई हैं, तो वो पुराने काम जो हैं वो पहले होंगे, तो उसके बाद नए काम यूपी टेट और सुपर टेट की भर्ती आने आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है। जैसा कि आपको पता है, प्राथमिक में लगभग 85,000 पद खाली हैं,
लेकिन लगभग जो 1.25 लाख हमारे शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं, उनको जब काउंट किया जाता है, जब गिना जाता है स्कूलों में, तो इन पदों के लिए गिन लिया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी विभाग में पहले यह देखा जाता है, भर्ती लाने के लिए जरूरी है कि कितने पद खाली हैं। तो लगभग 85,000 पद प्राथमिक में अभी वर्तमान समय में खाली हैं, सहायक अध्यापक के यह पद आपके खाली हैं। लेकिन शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक नहीं माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी महान सरकार है कि जब गिनती की जाती है सहायक अध्यापक, टोटल कितने सहायक अध्यापक हैं, तो शिक्षा मित्र जो कि 1.25 लाख के ऊपर है, उनको भी सहायक अध्यापक लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और इस प्रकार उन्हें बताया जाता है कि हमारे पास 85,000 पद खाली हैं, लेकिन 1.25 लाख के ऊपर शिक्षा मित्र हैं, तो यानी कि आपके जो पद अब खाली ही नहीं रह गए। कहने का मतलब शिक्षा मित्रों को आप लोगों ने सहायक अध्यापक में शामिल कर लिया, तो वो लगभग 1.25 लाख के ऊपर हैं, तो जब शामिल हो जाएंगे तो ये पद जो खाली हैं ये अपने आप भर लिया जाएगा। इस प्रकार हमारे जो बेसिक के मंत्री जी हैं संदीप सिंह, उनका कहना है, बार बार कहना है कि भैया हमारे पास कोई पद ही खाली नहीं है, जब पद ही खाली नहीं है तो हम भर्ती काहे के लिए देंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का आप कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी 1 से 5 की शिक्षक भर्ती देने का कोई भी इरादा नहीं है। अभी तो वर्तमान समय में कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि सरकार को अगर भर्ती देनी होती तो उस बेसिक के जो मंत्री साहब हैं ये कभी ऐसा स्टेटमेंट ना देते कि हमारे पास पद खाली नहीं है। कहते चलो ठीक है, हम 85,000 भर्ती नहीं करेंगे, हम 5,000 की भर्ती करेंगे, 10,000 की भर्ती करेंगे, 20,000 की भर्ती करेंगे। अरे कुछ तो भर्ती करो, जरूरी थोड़ी है कि 1 लाख भर्ती कर लो, 85,000 भर्ती कर लो, 75,000 भर्ती कर लो, कुछ 10,000-15,000 पदों को भरो और हर साल भर्ती निकालो, यही हम लोगों की डिमांड है। लेकिन ऐसा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है कौन, हमारे मंत्री साहब जिनका नाम है संदीप सिंह। और ये क्योंकि सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि सरकार का अभी कोई भी इरादा नहीं है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती देने के लिए। यानी कि आपका उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट अभी वर्तमान समय में आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि जुलाई के महीने में अथवा जून के महीने में अथवा अगस्त के महीने में, तो आप इसको अगस्त मान के चलिए अथवा जुलाई मान के चलिए, तो जुलाई अगस्त के महीने में आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, यूपी टेट की भर्ती आ जाएगी जहां तक हमें उम्मीद है। क्योंकि यूपी टेट का जब फॉर्म भरता आता है तो लगभग 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उसकी जो फीस होती है वो लगभग 1,000 रुपया फीस होती है, लगभग 1,200 रुपया फीस होती है दोनों प्राइमरी और जूनियर मिला के। तो 1,200 रुपए से लगभग 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारा रुपया कलेक्ट होगा, और यूपी टेट से नौकरी तो देना नहीं होता है, और नौकरी तो यहाँ सुपर टेट से मिलती है, तो सुपर टेट तो यहाँ कराना ही नहीं है, यूपी टेट करा लेंगे। तो हमारा जहां तक अपना अनुमान है, जो पिछले 10 सालों से हम पढ़ा रहे हैं और हमारा जो अनुभव है, उससे हम यही कह सकते हैं कि आपकी जुलाई के महीने में अथवा अगस्त के महीने तक आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। लेकिन सुपर टेट आएगा नहीं आएगा इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सरकार का भी कोई भी इरादा नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद में जो अपना पत्थर गिरजाघर है वहां पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो अगर आप इलाहाबाद के हैं या आसपास के क्षेत्रों के हैं तो वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए आप जरूर जाइए, क्योंकि जब तक सरकार से दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक यह भर्ती नहीं आएगी। 85,000 भर्ती आप ना दीजिए, 50,000 दीजिए, 40,000 दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन भर्ती दीजिए, यही हम लोगों की डिमांड है। लेकिन अभी सरकार की कार्य प्रणाली को देखकर यही लगता है कि भैया सुपर टेट की उम्मीद तो करना बेकार ही है। अगले 7-8 महीने तक आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करिए कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। हाँ, यूपी टेट हो जाएगा अगस्त अथवा जुलाई के महीने में, मुझे उम्मीद है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो और YouTube चैनल हैं उन्हें अपना पेड बैच बेचना है, उनके बैच की फीस है, कोई 2,000 ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है। पिछले 5 सालों से लोग कम से कम 4-5 बैच बना के बेच चुके हैं, तो उन्हें तो हमेशा हर महीने में शिक्षक भर्ती आ गई, शिक्षक भर्ती आ गई, ये ऐसा थंबनेल बनाएंगे और आप लोगों को पेड बैच ज्वाइन करा के 2,000-5,000 रुपया अपना फीस इकट्ठा करेंगे। लेकिन हम लोग तो पेड बैच चलाते नहीं है, इसलिए जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं कि भैया उत्तर
प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अभी उम्मीद बिल्कुल ना कीजिए। अगले 4-5-6-7 महीने तक आपको किसी भी प्रकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हाँ, यूपी टेट की आप उम्मीद कर सकते हैं जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में आ सकता है, लेकिन सुपर टेट की आप किसी भी प्रकार से उम्मीद ना करिए। और हाँ, इस जो टॉपिक था उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो सारी चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जाके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।